नमस्कार दोस्तों, मदरसा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7 जून 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ आए हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले थॉट ऑफ द डे। तो थॉट ऑफ द डे ये है कि किसी की निंदा करने से आपका जो लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने का नहीं छोड़ दें, क्योंकि जैसे ही आपको सफलता मिलेगी, जो लोग निंदा करते हैं वही तारीफ करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला, भारत इटली को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया का 6ठा देश बन गया। ठीक है, यानी कि टोटल अब भारत कितने नंबर पर पहुंच गया, 6 नंबर पे पहुंच गया। ये डाटा अभी इतना मायने नहीं रखता क्योंकि ये कुछ दिन में और चेंज होने वाला है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, केरल राज्य में किसी भी समुदाय के प्रसार की जांच करने के लिए सोमवार से एंटीबॉडी टेस्ट कराने का फैसला लिया है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोविड-19 के लिए कौन से राज्य सरकार ने एंटीबॉडी टेस्ट कराने का फैसला लिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए कि वेद मारवा का निधन हो गया। ठीक है, वेद मारवा आप थे कौन? तो देखिए, वेद मारवा 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, मिजोरम, मणिपुर और झारखंड। इन 3 राज्यों के क्या रह चुके हैं, वो राज्यपाल रह चुके हैं, और 1980 के दशक में दिल्ली पुलिस के आयुक्त भी रह चुके हैं। तो ये 3 चीज वो रह चुके हैं। चौथा नंबर देखिए, संतोष ट्रॉफी के फुटबॉलर ई हमसा कोया की शनिवार को अस्पताल में मौत हो गई, और इनकी मौत किससे हुई, कोरोना वायरस से हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए क्योंकि देखिए ये संतोष ट्रॉफी के क्या है, ये फुटबॉलर है। ठीक है, नाम क्या था, ई हमसा कोया है। पांचवा नंबर देखिए, भारत सरकार ने मातृत्व की आयु, यानी सीधी से बात है, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, एक होता है एमएमआर का मतलब आप लोग को पता हो, नहीं पता है तो सुन लीजिए, एमएमआर का मतलब होता है मदर मॉर्टिलिटी रेट। इसका मतलब ये है कि जब औरत बच्चे पैदा करती है तो क्या होता है, कभी कभी उनका मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह के जो एमएमआर हो रहा है, तो उस एमएमआर को कम करने के लिए क्या हुआ है, एक कार्यदल का गठन हुआ, एक कमिटी बनी। उस कमिटी के अध्यक्ष कौन है, सुश्री जया जेटली। कौन है, जया जेटली है। और इसको अपना रिपोर्ट कब तक देना है, 31 जुलाई 2020 तक अपना रिपोर्ट देना है। अब ये जो है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो 2020-21 का जो आम बजट था, जो निर्मला सीतारमण पेश की थी, उसमें ये बात कहा गया था। अब देखिए, चूँकि ये WCD के अंदर आता है भाई, तो ये WCD क्या है, WCD है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसकी अध्यक्ष कौन है, यानी कि मेन मंत्री कौन है, तो वो है स्मृति ईरानी, इससे पहले कपड़ा मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। देखिए 6 नंबर, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधारों की घोषणा हुई है। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको पता है कि कोरोना वायरस के कारण सब कुछ बंद है, अब उगाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, तो इसलिए कृषि पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसी के लिए सरकार ने ये कदम उठाया, तो राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए हैं। आप लोगों को पता होता है आर्टिकल 123, ठीक है, 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, और ये 6 महीने तक वैलिड रहता है। 6 महीने में अगर आपने इसे संसद से पास नहीं करवाया तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा हुआ है, तो पहला है कृषि उपज व्यापार, ठीक है, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य, इसमें है क्या, यहाँ पे सीधी सी बात है, वो देख लीजिए, एक ऐसे पारिस्थिति तंत्र का निर्माण करेगा जहाँ किसानों और व्यापारियों को किसानों की उपज की बिक्री और खरीद से संबंधित पसंद की स्वतंत्रता का आनंद मिलेगा। यानी सीधी सी बात है कि किसान जिसको चाहे उसको बेच सकता है, जितने दाम में चाहे उतने दाम में बेच सकता है, यानी किसान को घाटा नहीं होगा। 20 नंबर देखिए, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता, यानी कि इतना मूल्य मिलेगा आपको, यानी कि पहले क्या होता था कि किसान का लागत ज़्यादा है लेकिन मुनाफा कम होता था, या कभी कभी तो लॉस होता था। तो इसमें क्या है कि मूल्य आश्वासन दे दिया गया, यानी कि एक फिक्स प्राइस दे दिया गया, यानी कि मान लीजिए आपका 150 रुपया खर्चा हो रहा है, तो आपको बोल दिया गया है
कि आपको 200 मिलेगा, यानी किसी भी तरीके से आपका नुकसान नहीं है, तो ये मूल्य आश्वासन है। तो ये दोनों चीज़ किया गया है। अब देखिए हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है, तो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है, ये हमारे देश के क्या है, कृषि मंत्री है। साथ में देखिए केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री। इतना कहने का मतलब सिर्फ ये था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्योंकि देखिए इतना सारा मंत्रालय है इसके पास। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कौन सा मंत्रालय है, कल के क्लास में मैंने बताया था, वो है आपका डोनर यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा, इसमें डोनर में क्या क्या एक साल में घटा हुआ है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कितना उसमें डेवलपमेंट आया। तो देखिए इसमें क्या है कि बोला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बुकलेट जारी किया है, ठीक है, किसके बुकलेट, DOPT का। DOPT क्या है भाई, आप डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसका मतलब किसी भी आदमी की सरकारी नौकरी होती है तो कार्मिक विभाग के द्वारा होती है, तो वही कार्मिक विभाग एक साल में कितना काम किया है तो उस पर एक बुकलेट जारी किया। तो कौन जारी किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 8 नंबर में देखिए, तमिलनाडु के मदुरई में एक 13 वर्षीय बालिका जिसका नाम था नेत्रा, उसे संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संगठन का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। क्यों नियुक्त किया गया है, तो देखिए अभी कोरोना वायरस के कारण किसी को भी खाना नहीं मिल रहा था, तो इस बच्ची ने अपने फादर के साथ मिलकर 5 लाख रुपया अपना खर्च कर दिया, ठीक है, 5 लाख रुपया अपना खर्च कर दिया ताकि गरीबों को खाना मिले। इसके फादर जो है वो एक सैलून चलाते हैं। 9 नंबर देखिए, देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें क्या हो गया, बढ़ोतरी हुआ है, और अब कितना पहुँच गया है वो, 48 अरब पहुँच गया है, ठीक है, 493.48 अरब पहुँच गया, ये टोटल पूरा ले लीजिएगा, ठीक है, इतना पहुँच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि कुल भंडार का एक बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी कि क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो कि कितना हो गया, 3.50 अरब डॉलर बढ़कर 455 जारी किया गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल देख लीजिए $50 हो गया, ठीक है, ये है। इसमें बस ये जो डाटा है वो डाटा आप ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर देखिए कि रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल, उनकी माँ का निधन हो गया मुंबई में। माँ भी कौन सी पार्टी से थे, भाजपा से थे, जैसे कि पीयूष गोयल है, माँ का नाम क्या है, चंद्रकांता गोयल। 11 नंबर देखिए, मध्य प्रदेश ने कहा है कि उसके यहाँ जो 2,57,000 ऐसे वन है जिस पर कब्जा कर लिया है, तो उसमें जो भी फैसला हो सकता था वो फैसला क्या है, राज्य सरकार ने दे दिया, यानी कितना ज़मीन का पे फैसला दिया, 2,57,000 से अधिक वन भूमि पे जो दावेदारी थी उसके बारे में फैसला दिया। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा फैसला दिया वन भूमि पे, तो मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। 12 नंबर देखिए, कर्नाटक ने राज्य में इकाई स्थापित करने के लिए प्रमुख चिप निर्माण कंपनी इंटेल को निमंत्रण दिया है। आप लोगों ने कंप्यूटर ये सब देखा होगा, लैपटॉप देखा होगा, तो उसमें इंटेल लिखा होता है, तो वो जो चिप लगा होता है वो इंटेल कंपनी का होता है, तो उसको कौन निमंत्रण दिया है कि आइए राज्य में इकाई लगाइए, तो है कर्नाटक। 13 नंबर देखा, कोरोना संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए खर्च और ज़रूरतों से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालय और विभागों को वित्त वर्ष 2021 में नई योजनाओं को प्रस्ताव देने से रोक दिया। आपको पता है कि सब तरफ से पैसा नहीं आ रहा है, तो जो पैसा अगर वो भी खर्च कर दें तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए 2020-21 की जो सेशन है उसमें क्या है, कोई भी अलग खर्च जो है वो नहीं होगा, ऐसा कोई नया प्रस्ताव नहीं लाएंगे, नया योजना नहीं लाएंगे जिससे पैसा हमारा ज़्यादा खर्चा हो। 14 नंबर देखिए, इंडोनेशिया में क्या है, मस्जिदें खुल गई, यानी कि आपको पता है कि 8 जून के बाद भारत में भी क्या है, मंदिर मस्जिद खोल सकते हैं, लेकिन गोवा जो राज्य है वो बोला है कि हम अभी फिलहाल नहीं खोलेंगे इसे। 15 नंबर देखिए, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज CENS बेंगलोर, इसका नाम क्यों आ रहा है अभी, तो वो देख लीजिए, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने प्रौद्योगिकी विकास की उतना छोड़ी हटाइए एक नोबल फोटो सेंसिटिव कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो कि रूम टेम्परेचर में उसको किया है,
ये किस लिए काम आएगा, सीधी सी बात है, किस लिए काम आएगा कि विज्ञापन बोर्ड जो बनाते हैं या लिखने योग्य बोर्ड बनाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होगा। इसके लिए कौन काम किया है, CNS काम किया, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, जो कि बेंगलोर में है। तो सीधी सी बात है कि विज्ञापन बोर्ड, लिखने योग्य बोर्ड और अच्छा बनेगा, इसके लिए किस संस्था ने काम किया है, तो CNS बेंगलोर ने काम किया है। 16 नंबर देखिए, कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानें खोली हैं, ठीक है, जिनका वार्षिक क्षमता कितना बोला जा रहा है, 2.9 मिलियन टन है। तो किस राज्य में खोला है कोल इंडिया ने, कोल इंडिया ने खोला है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। कोयला मंत्री कौन है, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है, श्री प्रहलाद जोशी है। 17 नंबर देखिए, अभी आपको पता है कोरोना वायरस के कारण सब जगह से क्या है, अर्थव्यवस्था में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, लेकिन एक सरकारी कंपनी ऐसी है जिसे कोरोना वायरस में फ़ायदा हुआ है, उस कंपनी का नाम है राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड, RCF, ठीक है। इसने क्या कहा है कि इसने अपना जो रिपोर्ट दिया उसमें बोला है कि 100 करोड़ का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया है, 100 करोड़ बिक्री को पार कर गया है। 18 नंबर देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IASST, ठीक है, ये लोग क्या बनाए हैं, ये लोग एक क्रिस्टलिन रूबिन बनाया है, एक पॉलीसाइक्लिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन आधारित पतले फिल्म को संश्लेषित करने के लिए एक नई प्रक्रिया खोजी है जो उपयोगी हो सकती है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास और इलेक्ट्रॉनिक त्वचा बनाने में। सीधी से बात है, IASST के वैज्ञानिकों ने क्या खोजा है, तो एक ऐसा तकनीक खोजा है जिसे वो क्या बना सकता है, इलेक्ट्रॉनिक त्वचा बना सकते हैं, वो क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्वचा बना सकते हैं, ठीक है। उतना इसमें नहीं देखना है कि IASST के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक त्वचा बनाने के लिए उपकरण का विकास कर लिया है। देखिए फिर CNS आ गया, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मेटल साइंसेस, CNS बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने क्या किया है, TCG का निर्माण किया है। भैया TCG का निर्माण मतलब TCG बना हुआ था उसको और अच्छा कर दिया। TCG क्या है, TCG होता है टच स्क्रीन गाइडेंस करके होता है, जो मोबाइल में यूज़ करते हैं टच स्क्रीन वो होता है। तो इसमें यह बताया गया है कि टिन की तुलना में इसकी उत्पादन लागत को 80% तक कम किया जा सकता है। डोप्ड ईडियम ऑक्साइड आधारित तकनीक जो वर्तमान में उपयोग में, इसका मतलब जो तकनीक अभी हम यूज़ कर रहे हैं उस तकनीक से 80% सस्ता हो जाएगा, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, बहुत सस्ता हो जाएगा। तो ये क्या है TCG, तो TCG का नया निर्माण किसने किया है, CNS बेंगलोर ने किया है। इससे क्या हो गया, जो रेट है अभी चल रहा उस रेट से 80% और कम हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, अभी एक डाटा आया था जिसमें बोला गया था कि बाघ का जो संख्या वो कम हो रहा है, तो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने एक डाटा जारी किया है, इसमें बोला गया है कि प्रति वर्ष जो बाघ की जनसंख्या है वो कितने परसेंट बढ़ रही है, वो 6% से ज़्यादा से बढ़ रही है। इसे कौन किसने जारी किया है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन ने जारी किया है, एक सरकारी डाटा है। अब देखिए, पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार ने वर्तमान फिसल के 2 महीनों के दौरान केंद्रीय करों में अपना हिस्सा प्राप्त करने में 17.81% की कमी देखी है। यानी कि सीधी सी बात है, किस राज्य में उसका जो केंद्रीय कर मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जो टैक्स मिल रहा है सेंटर से, उसमें 17.81% की कमी आई है। तो ये पेमा खांडू ने कहा है। पेमा खांडू क्या है, CM है। अब आप लोग को सोच रहे होंगे कि पेमा खांडू किस राज्य के CM है, तो मैं बता देता हूँ ये क्या है, किसके है, अरुणाचल के है, ठीक है, ये अरुणाचल के CM है। 22 नंबर देखिए, अमूल का जो खाता था, ट्विटर अकाउंट था, उसको कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था, क्योंकि अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा तो अमूल का जो जो गर्ल होती है, अमूल की गर्ल जो उसका एडवर्टीजमेंट में आता है, उसमें एक फ़ोटो चल रहा था जिसमें उसने कहा था कि मेड इन इंडिया को प्रमोट करो, मेड इन चाइना को बैन करो। और अभी क्या है, LAC में इंडिया और इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, टकराव चल रहा है, तो इसी को लेकर ट्विटर ने बंद कर दिया। जब ट्विटर ने ऐसा किया तो भारतीय लोगों ने इस पर विरोध किया, विरोध करने के बाद ट्विटर ने एक सफाई दी कि ये ज़रूरी था, मतलब रेगुलर रूटीन में है, रूटीन के कारण ये बंद हुआ था। मींस हर किसी का साथ ऐसा होता है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो ऐसा किसके साथ हुआ, गूगल के, सॉरी अमूल के साथ हुआ। अमूल क्या है, एक
सहकारी कंपनी है जो गुजरात में रजिस्टर है। 23 नंबर देखिए, लार्सन एंड टर्बो जो इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है भारत में, लार्सन एंड टर्बो उसके बोर्ड ने 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में MAM नायक को नियुक्त किया गया। यानी कि लार्सन एंड टर्बो के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं, तो MA नायक बने हैं। 24 नंबर देखिए, विश्व के सबसे बड़े मेलों में से एक आर्ट बेसल, ठीक है, आर्ट बेसल जो है वो 1720 दिसंबर तक 4 दिनों के लिए होते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, स्विट्ज़रलैंड में होता है। इसे COVID-19 के कारण क्या कर दिया, इसे सितंबर तक टाल दिया गया, ठीक है। इसका जून में होने वाला था, इसको वापस सितंबर तक के लिए टाल दिया गया। तो बेसल मेला कहाँ पे होता है, स्विट्ज़रलैंड में होता है। 25 नंबर देखिए, कर्नाटक का जो बैंक है, कर्नाटक का बैंक, ये एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। इसने ये कहा है कि इसके 4 खातों से कितने करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मिला का मामला मिला है। गबन का तो 285 करोड़ रुपए का मिला है। कि इसने ये कहा है कि इसके 4 खाते हैं जिसमें से इसे शक है कि इसमें से 285 करोड़ रुपए का क्या हो गया है, घपला हो गया है। 26 नंबर देखिए, 2022 में विश्व तीरंदाजी फील्ड चैम्पियनशिप होने वाला था, ठीक है, विश्व तीरंदाजी फील्ड चैम्पियनशिप होने वाला था, ये 2022 तक इसको क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ होने वाला था, तो अमेरिका के यांगटन में होने वाला था। यानी कि अमेरिका के यांगटन में होने वाला विश्व तीरंदाजी फील्ड चैम्पियनशिप को क्या हुआ, कोरोना वायरस के कारण 2020 तक टाल दिया गया। और ऐसे भी अभी अमेरिका में हिंसा भी चल रही है, तो ऐसे भी वहाँ की हालत सही नहीं। 27 नंबर देखिए, CII, अभी मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि CII ने, ठीक है, अपना 125वां सालगिरह मनाया था। 1895 में ये क्या हुआ था, बना था, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। और अभी 125वें साल में क्या, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के तहत इसे राष्ट्र, इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें की थी या इस पर जानकारी दी थी। तो CII अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा त्रिची रेलवे जंक्शन को प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है। ये किसके लिए दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। आपको पता है कि 5 तारीख को क्या था, 5 तारीख को पर्यावरण दिवस था, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस के मौके पर त्रिची रेलवे जंक्शन को क्या मिला, गोल्ड रेटिंग दिया। तो ये गोल्ड रेटिंग किसने दिया, CII ने दिया। अभी मैंने बताया कि CII का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो ये 7 जून 2020 के कुछ टॉप करंट अफेयर्स है। उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने बताया वो आपको समझ में आया है, ठीक है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।